हम यहाँ पे पिवट टेबल की मदद से रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि डेटा हम समझा दिए, एक बार और डेटा को समझा देते हैं कि हमारे पास किस तरह का डेटा है। हमारे पास डेट है, सेल्स टाइप है, पेमेंट मोड है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कैटेगरी, कस्टमर कैटेगरी है, क्वांटिटी है, एमआरपी है, अमाउंट है, कितना परसेंट प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट हुआ। और फिर हम तीन सेल हमने ईयर से ईयर का फॉर्मूला अलग लगा के ईयर अलग किया है, जैन से जैन का और मंथ से मंथ अलग किया है। अब इस पे मुझे एक डैशबोर्ड तैयार करनी है। अब चलिए, इसमें हम जब भी डैशबोर्ड बनाते हैं तो दो चीजें होती है, एक पिवट जिसको हम सपोर्ट कर सकते हैं, पिवट कर लीजिए या फिर सपोर्ट कर लीजिए, और दूसरा हमारा आता है डैशबोर्ड, जहां पे डैशबोर्ड या रिपोर्ट या समरी जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारी ऐसी कैलकुलेशन है जो डायरेक्ट हम इस डैशबोर्ड शीट पर नहीं कर सकते, तो वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ स्क्रीन को, और मैं एक संभावित एरिया को लेता हूँ और इसको मैं ग्रे कलर कर देता हूँ। ये एरिया मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरा जो पिवट, मेरा जो चार्ट है, सॉरी रिपोर्ट्स है, डैशबोर्ड है, इसी एरिया के अंदर रहेगा, ठीक है, इसलिए हमने एरिया ले लिया। बाद में एरिया को हम हटा भी सकेंगे अपने हिसाब से और रख भी सकेंगे, राइट सर। तो हमने कलर गलत चूज लिया, हमें कलर ग्रे कलर चाहिए, तो हमने व्हाइट कर लिया। तो ग्रे कलर, ए वाले जो ग्रे है, इसको हमने चूज किया, ओके सर। जी, अब यहां सबसे पहले मुझे अपना डैशबोर्ड का एक हेडिंग डालना है। तो हेडिंग करने के लिए सबसे पहला लाइन, जैसे मैंने बताया था, अब मैं इसको 100% पे आ जाता हूं ताकि आपको स्क्रीन दिखेगा। तो सबसे पहले लाइन को हमें क्या करना है, छोटा करना है, और रो एक रो एक कॉलम को सेम साइज में छोड़ देना है गैपिंग के लिए, राइट। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया जहां पे मैं हेडिंग रखूंगा, और इसको मैंने कर दिया व्हाइट, कलर क्या कर दिया, व्हाइट। लेकिन मुझे कलर क्या करना है, यहां से व्हाइट करना है, बट मुझे इसको थोड़ा सा, ये देखिए कॉर्नर दिख रहा है, कॉर्नर माने कि कर्व नहीं है, तो कर्व कैसे होगा, क्योंकि सेल के कॉर्नर को कर्व तो नहीं किया जा सकता ना सर, किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। तो इंसर्ट के अंदर में आपके सामने इलस्ट्रेशन होता है, इलस्ट्रेशन के अंदर में होते हैं सैप्स। तो मैंने ए वाले सैप्स को मैंने लिया और मैंने इसको यहां से डिजाइन कर दिया। डिजाइन करने के बाद इसके अंदर देखेंगे सेटिंग आ जाती है। सबसे पहले तो फिल में आपको नो फिल कर दीजिए। नो फिल इसलिए किया ताकि मैं अंदर कुछ भी टाइप करूं तो मुझे दिखे, पहली चीज। दूसरी, जब नोफिल हमने किया ही, तो यहाँ ऊपर में सेव फॉर्मेट में जाके इसकी जो बॉर्डर की कलर है उसको थोड़ा सा, जो इस कलर का बड़ा बैकग्राउंड है उससे थोड़ा सा डार्क कलर ले लेते हैं, ठीक है सर। और इसकी थिकनेस को, विड्थ को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। माफ कीजिए, हमें डार्क कलर नहीं, हमें सेम कलर लेना है, तभी तो छुपेगा। अब ऐसा लग रहा है ना कि कर्व किया हुआ है क्या सर? जी सर, क्या किया आपने इसको, डार्क किया मतलब व्हाइट किया पूरा ना? नहीं, इसकी जो कलर हमने क्या किया, मैं बताता हूँ आपको, देख ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हमने क्या किया कि जिस जितना साइज का हमारा एक है, उस साइज का मैंने एक इंसर्ट किया कहाँ से, लिस्टेशन में जाके ए वाला आइकन्स को, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद हमने क्या किया, इसकी सेव फॉर्मेट में इसकी बैकग्राउंड को नो फिल कर दिया और इसकी बॉर्डर कलर को वही कलर दिया जिस कलर में हमने इसको दिया हुआ है। और बॉर्डर की जो थिकनेस है वो थिकनेस को थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया, ओके, 7 फिट कर देता हूँ। थिकनेस बढ़ाने से क्या हुआ कि आपका दिख गया, अब इस तरह से लग रहा है कि कर्व किया हो, राइट। इसके बाद गूगल से कुछ आइकन वगैरह आप सर्च करके लाइए और यहाँ पे फिट कर दीजिए आइकन को। इस तरह से आइकन मैंने फिट कर दिया हुआ है। उसके बाद मैंने ऊपर इसको लिया है और दो को लेके मर्ज करके हमने यहाँ पे लिख दिया सेल्स डैश बोर्ड।
जो भी आपकी हेडिंग है हेडिंग दे दीजिए, उसका कलर जैसा देना चाहते हैं वो कलर कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए, और उसकी साइज बढ़ा दीजिए जो आप चाहते हैं, ठीक है। और नीचे मैं कंपनी का नेम डाल देता हूँ कि आई पी, यहाँ मर्ज करके मर्ज कर दिया, IPT एक्सेल स्कूल, कंपनी नेम या जो भी स्लोगन वगैरह है वो दे दीजिए। ये तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, बट आप अपने हिसाब से दीजिएगा, ठीक है। जी थोड़ा सा मुझे अपना इसको बड़ा करना होगा, ये जो आइकन है ना थोड़ा सा नीचे करना, ठीक है। अब इसके बाद इस कलर इसको मैं छोटा करता हूं, और छोटा करने के बाद हमें यहाँ लेना है एक एरिया, इसको भी मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड वाइट। इस पे बेसिकली मुझे सेल्स टाइप चाहिए, तो मैं एक बार पिवट टेबल लगा लेता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि स्लाइसर बार बार ऐड करने में दिक्कत होती है, तो मैं यहाँ पिवट टेबल लगा के स्लाइसर इंसर्ट कर देता हूँ, ताकि मैं जब मैं पिवट को कॉपी करूँगा तो दिक्कत नहीं हो। इसके अंदर हम मुझे जो स्लाइसर चाहिए पहला इंसर्ट में आता है, एक मिनट, पिवट टेबल एनालाइज इंसर्ट स्लाइसर, मुझे स्लाइसर में चाहिए सेल्स टाइप, सेल्स टाइप और पे मोड, दो स्लाइसर चाहिए, तो दोनों को यहाँ ले लिया। अब इस स्लाइसर को मैं कॉपी करके या कट करके डैशबोर्ड में रखता हूँ, मुझे यहाँ रखना है, लेकिन इस तरह का है, तो मैं इसको एक बार यहाँ से बड़ा कर देता हूँ और इसको भी यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। और स्लाइसर के अंदर सेटिंग होता है कि आप उसको जितना मर्जी उतना बार में कर सकते हो, तीन मेरे पास है तो मैंने इसको तीन में डिवाइड कर दिया, ठीक है सर। अब जी इसकी यहाँ से साइज को सिलेक्ट करके, स्लाइसर के अंदर हाइट हो गया, विड्थ हो गया, इसको यहां से हाइट विड्थ को कम करेंगे ना तो इतना छोटा हो जाएगा, ठीक है। जी और हमने इसको यहां पे फिट कर दिया, थोड़ा छोटा भी किया जा सकता है क्योंकि इसमें ज्यादा लिखा हुआ नहीं है, तो छोटा हमने कर दिया ताकि हमारा जगह बच जाएगा। अब ये दो लाइन को मैं यहां से डिलीट कर देता हूँ, और इसको मैं ये जो व्हाइट कलर है, व्हाइट एरिया जो हमने डिसाइड किया हुआ है, उतने एरिया में मैंने इसको फिट करा, राइट। अब इसकी भी एक अपनी फॉर्मेटिंग होती है, तो मैंने वो फॉर्मेटिंग यहाँ से चूज कर दिया, रेड वाली फॉर्मेटिंग हमने यहाँ से ले लिया। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे इसको छोटा किया, और एक संभावित एरिया को मैंने लिया तीन में यहाँ भी लेता हूँ, और इसको भी कलर व्हाइट कर दिया। ये जो कर्सिव वाला सिस्टम है आप इस पे भी लागू कर सकते हैं अगर आपकी जरूरत है तो, जी ठीक है। और आप इस पे भी लागू जी कर सकते हैं, अभी भी इसको एक बार कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, कैश को कट करके यहाँ ले जाता हूँ मैं, और यहाँ कैश का डाल देता हूँ, और इसको भी सबसे पहले स्लाइसर में जाके कॉलम दो कर देता हूँ ताकि आ जाए, फिर इसको अपने हिसाब से इस तरह से यहाँ से विड्थ को, सही है, और इसको एक अपने एरिया, जी संभावित एरिया जितना एरिया है उतना एरिया में इसको फिट कर देता हूँ। इसकी भी एक अपनी अलग फॉर्मेटिंग है, तो वो फॉर्मेटिंग हम इसकी ले लेते हैं। और इस पे भी मुझे एक कर्सिव चाहिए, तो जो हमने लिया था इसको कॉपी किया, कॉपी करने के लिए मैं कंट्रोल प्रेस करके माउस मूव कर रहा हूँ, कंट्रोल प्रेस करके माउस मूव करने से कॉपी हो जाता है, ठीक है। तो डैशबोर्ड जब भी आप बनाइएगा सबसे ज्यादा टाइम जो लगता है वो लगता है आपकी फॉर्मेटिंग में, फॉर्मेटिंग आपने जल्दी कर ली तो आपका हो गया। उसके बाद अगर कोई कंपनी की ओके लोगो वगैरह रखने की जरूरत है, कोई स्लोगन वगैरह रखने की जरूरत है,
तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। सर, डैशबोर्ड किस काम में आता है, मतलब कंपनी की क्या चीजों में आता डैशबोर्ड रिपोर्ट जो बनाता है है काम? डैशबोर्ड जी ही होती है ना हमारी, अगर कोई रिपोर्ट को जी एनालिसिस होता डैशबोर्ड है। अभी आप देख लीजिए ना, अभी जो मैं बना रहा हूँ उसको एक बार देख लीजिए, पता आपको चल जाए। ठीक है, अभी हमने हेडिंग तैयार कर लिया। अब यहां पे मुझे ईयर वाइज ईयर का चाहिए, तो हमने ईयर को सेलेक्ट कर लिया और इसमें हमने रख दिया। और यहां से हम वापस जाते हैं स्लाइसर में, और यहां से स्लाइसर अभी ईयर लेके आते हैं। तो हमने यहाँ ईयर के लिए फॉर्मल लगाया हुआ है, तो ईयर को लिया और यहां से कट किया। और यहां पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। इसको भी मैं स्लाइसर में जाके ग्रीन वाला सिंबल ले लेता हूँ, ये वाले ग्रीन, ये सही रहेगा। इसको कॉलम करने की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी है कॉलम। अब उसके बाद यहां हमें मंथ भी चाहिए हो, तो वापस अपने सपोर्ट में जाते हैं। सॉरी, इसको कट कर दीजिए, हटा दीजिए। हाँ, वापस सपोर्ट में जाते हैं और यहाँ एनालाइज में जाके इंसर्ट स्लाइसर, यहाँ पे हम मंथ का स्लाइसर इंसर्ट कर देते हैं। और फिर इसको कट करके हम वापस डैशबोर्ड में आते हैं और इस पे यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और इसको नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, क्योंकि मुझे 12 महीने पूरा दिखना चाहिए। एक मिनट, नीचे आओ, करना पड़ेगा। तो ये हमारा बन गया। अब मैं यहाँ पे अपनी अपनी टोटल्स वगैरह चाहिए, तो मुझे ही तो चाहिए। इसमें जो मुझे फिगर्स चाहिए, वो फिगर के बारे में एक बार बात कर लेते। तो जो फिगर, इसकी भी एक फॉर्मेट अलग है स्लाइसर में, आप इसकी अलग फॉर्मेट लेना चाहे तो अलग फॉर्मेट ले सकते हैं। अब इसमें जो मेरी जो स्लाइसर की मुझे ज़रूरत है वो ये है। मुझे रिपोर्ट की ज़रूरत है। सबसे पहले मुझे चाहिए टोटल सेल्स की, ओवरऑल सेल्स कितना हुआ है, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, और एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, ये मुझे निकालनी है। तो सबसे पहले इस कॉलम को मैं छोटा कर देता हूँ, इसको बड़ा कर देता हूं। और कई सारे सेल्स को सेलेक्ट किया हमने और नीचे तक आया और इसको हमने कर दिया सेम व्हाइट कलर। और ये जो कर्व वाला एरिया हमने ले रखा है, इसको भी आप यहाँ पे इजीली लगा सकते हैं। अब इसमें मुझे चाहिए सबसे पहले टोटल सेल्स, कि टोटल सेल कितना है। इसको हमने मर्ज कर दिया और लिखा टोटल सेल्स। और इसको यहाँ से स्टार्टिंग से बोल्ड और थोड़ा सा बड़ा करना चाहो तो बड़ा भी कर सकते हैं। अब सेल जो आया उसके लिए इसको सेलेक्ट करके मर्ज कर देता हूँ। और कुछ इमेज वगैरह से, कि सेल से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पिक्चर लगा देते हैं समझने के लिए या अच्छा दिखाने के लिए जो कही है। जैसे मैंने यहाँ पे पिक्चर लगा। मुझे चाहिए फिर टोटल प्रॉफिट, तो इस कॉलम को करता हूँ छोटा और इस कॉलम को करता हूँ बड़ा, ताकि ये जो गैप है वो गैप क्लियर हो जाए। और फिर इसके पार्ट को लेता हूँ यहाँ पे और इसको करता हूँ वाइट, और फिर वापस इसको लेता हूँ और इसको मैं, अब इसमें आएगा हमारा, इसको मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद यहाँ लिखता हूँ टोटल प्रॉफिट और इसको बोल्ड कर देता हूँ, साइड में आता हूँ। ये साइड में आने से दिख रहे हैं, दिक्कत हो रहा है ना, थोड़ा सा इसको अरेंज कर देता हूँ, एडजस्ट कर देता हूँ।
टोटल प्रॉफिट आ गया, या फिर आप यहाँ से एड इन लेन भी ले सकते हैं ताकि अपने हिसाब से इसको जगह पे लगा सकें। और टोटल प्रॉफिट जो चाहिए मुझे यहाँ, इसको सेलेक्ट करके मैं मर्ज कर दिया, इस पे टोटल प्रॉफिट का मैं टोटल डालूंगा और फिर इमेज वगैरह यहाँ कॉपी करके हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। देखिए इमेज कंपलसरी नहीं है लेकिन रिपोर्ट को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए हम इस तरह के इमेज वगैरह डालते हैं, समझ गए। जी अब यहाँ पे देखिए अगर ये छोटा करूंगा तो मुझे इसको बड़ा करना पड़ेगा, तो मैं एक और रो यहाँ कॉलम इंसर्ट कर देता हूँ, को छोटा करता हूं क्योंकि तो मुझे यहाँ पे छोटा चाहिए, तो कोई बात नहीं इसको मैं छोटा करता हूँ, बाद में देखेंगे। चाहे यहाँ इसको जो है एक मिनट, इसको छोटा करना पड़ेगा आपको, इसको सेलेक्ट करके, अब ऊपर का एरिया था गड़बड़ा गया है तो उसको भी सही करेंगे, परफेक्ट ओके। और यहाँ पे हम प्रॉफिट परसेंटेज दिखाएंगे, अब यहाँ पे देखिए सिस्टम थोड़ा गड़बड़ा गया है तो बड़ा तो नहीं कर सकते इसको, तो इसको भी बड़ा नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये जो हमने लिया हुआ है इसको कर देता हूँ ग्रे कलर था हमारा, और इसको थोड़ा सा यहाँ ले आते हैं, अब सही है। अब बाकी इसको सही कर देंगे थोड़ी देर में, और इस पर भी कर्व चाहिए तो मैंने कर्व लिया, अब यहाँ पे मुझे इसको मर्ज मैंने कर दिया, मर्ज करने के बाद यहाँ चाहिए टोटल प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, और इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं, मर्ज करना है हमें, यहाँ कर देते हैं मर्ज, और फिर यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज का कोई अगर है सिंबल तो देखे यहाँ डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ डाल। अब इनकी टोटलिंग हमें पिवट टेबल से निकालनी है, तो पिवट टेबल में मैंने आया और मुझे चाहिए टोटल सेल्स, तो टोटल सेल्स इन द रुपीज, तो मैंने अमाउंट को यहाँ डाला, टोटल प्रॉफिट तो प्रॉफिट कितना हुआ है प्रॉफिट को मैंने यहाँ डाला रो में, सॉरी रो में नहीं माफ कीजिए कॉलम में डालना है, सॉरी टोटल में माफ कीजिएगा टोटल, ताकि टोटलिंग आ जाए। उसके बाद यहाँ ये हो गए, उसके बाद मुझे डालना है प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज को यहाँ डाला लेकिन मुझे प्रॉफिट परसेंटेज का सम नहीं चाहिए, एवरेज चाहिए कि एवरेज कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। सही नहीं, नहीं प्रॉफिट परसेंटेज तो हमें ये है ना कि इतना सेल इतना इतना सेल हुआ है इतनी प्रॉफिट हुई है, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ तो मैनुअली कैलकुलेट करेंगे वहां पे जा, इसको हम हटा देते। फिर डैशबोर्ड में आते हैं और इसको इक्वल प्रेस करते हैं और अपने इस पिवट को लिंक कर देते हैं, जैसे आपने देखा लिंक हो, लिंक करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करना, ठीक है बोल्ड करना होगा, इसके ऊपर रुपीज का सिंबल आप लगा सकते हैं, यहाँ करेंसी में करेंसी सिंबल है तो मेरा तो करेंसी बाय डिफॉल्ट रुपीज ही है, तो ये रुपीज ही दिख रहा है, बट आपको कस्टम में जाके यहाँ करेंसी में या अकाउंटिंग में जाके यहाँ पे आपको INR वगैरह सेलेक्ट करना होगा या फिर रुपीज का सिंबल यहाँ से उठाना होगा, ठीक है सारे सिंबल। अब ये हमारा आ गया सेल्स, राइट कितना सेल्स हुआ, और हमने यहाँ पे प्रॉफिट के लिए भी इक्वल किया, सपोर्ट में गए और ये हमने प्रॉफिट ले लिया कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ। अभी प्रॉफिट में भी हम परसेंटेज यहाँ पे जाते हैं और सबसे पहले तो अकाउंटिंग में आके इसकी डेसिमल को जीरो कर देते हैं, डेसिमल नहीं चाहिए और रुपीज का सिंबल तो लगा हुआ ही है,
और इसको हम सेंट्रल में करते हैं और इसको यहाँ ऐसा क्यों हो गया। अच्छा सेम फॉर्मेटिंग देकर अप्लाई कर देता होगा बट डेसिमल प्लेसेस रिमूव करना। ठीक है जी। अब प्रॉफिट कितना आया, तो सिंपल सी बात है कि हमने इतना कमाया किसमें से, इसमें से। एंटर मारते ही आपको प्रॉफिट परसेंटेज आ गया क्या सर? दोनों का डिवाइड कर दिया ना, सिंपल जी सिंपल डिवाइड कर दिया, तो कुछ खास तो था नहीं। इसमें अगर डिवाइड आपने अरे इसमें टोटल सेल में टोटल सेल्स हमारा मान लीजिए कि 1164624 सेल हुआ है, उसमें में हमने 587744 का प्रॉफिट कमाया, कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया? तो सिंपल सा दोनों को डिवाइड कर दीजिए ना, पाँच सौ ठीक रुपये है की सेल की और आपने मान लीजिए कि 40 रुपये का प्रॉफिट किया, कितना परसेंट प्रॉफिट किया था? आप क्या करेंगे, 40 डिवाइड बाय 500 यही करेंगे ना? जी। तो सेम हमने, हाँ सेम हमने किया है, सेम। अब मुझे यहाँ ये तो हो गई हमारी, अब अगली जो यहाँ पे बात आती है वो आती है कि हमें यहाँ पे मंथली सेल चाहिए, कि हमने हर महीने कितना हमने अमाउंट किया है और कितना प्रॉफिट किया है, समझ गए? हमने सेल कितना किया है और प्रॉफिट कितना किया है, तो हम पिवट टेबल जो यहाँ लगाया हुआ, इसी पिवट टेबल को क्या करेंगे, कॉपी, और कॉपी करके यहाँ साइड में करेंगे पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद हम सबसे पहले तो ए सम ऑफ द अमाउंट प्रॉफिट तो रखेंगे, लेकिन साथ में हम अपना मंथ को यहाँ रख देंगे ताकि मुझे मंथली सेल्स और प्रॉफिट दोनों का डेटा मिल जाए, लेकिन मुझे इसको दिखाना है कि इसमें पिवट टेबल, इसमें चार्ट्स में। तो यहाँ से मैंने जी अपना चार्ट्स लिया, तो चार्ट्स में आप देख पा रहे हैं इस तरह से दिख रहा है, तो मुझे एक चाहिए कॉलम चार्ट और दूसरा चाहिए लाइन चार्ट। तो जिसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करना है, प्रॉफिट को लाइन चार्ट में कन्वर्ट करना है, उसको हमने लिया, राइट सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, चेंज सी चार्ट टाइप, यहाँ पे देखिए सम ऑफ द प्रॉफिट, और यहाँ पे मैंने कर दिया ए लाइन, लाइन करते इस तरह के लाइन आ गया। इसकी भी अपनी एक फॉर्मेट है, डिजाइन है चार्ट की, तो चार्ट पे गए और चार्ट की जो डिजाइंस मुझे चाहिए वो सेलेक्ट कर लिया। तो ग्रीन ग्रीन थोड़ा सा अच्छा रहेगा, और लेकिन ये बहुत छोटा है, दिख रहा है? तो यहाँ से जी। लेआउट जो है, आप चार्ट का लेआउट होता है, लेआउट को ले सकते हैं, तो लेआउट को मैंने लिया। लेआउट देख रहा हूँ, ये लेआउट ठीक रहेगा, ठीक है सर। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करके मैं हाइड ऑल बटन्स कर देता हूँ ताकि बटन हाइड हो जाए, और ये जो आ रहा है ना नंबर्स लिखा हुआ है इसको डिलीट कर देते हैं, ये नंबर रहने देते हैं। इस नंबर के ऊपर राइट क्लिक करके फॉर्मेट चार्ट डेटा लेबल आता है, उसमें यहाँ फॉर्मेट में यहाँ पे नहीं, इसमें इसी के अंदर फॉर्मेट साइज अलाइनमेंट है, ये नंबर नंबर दिख रहा है, नंबर में जाइएगा तो यहाँ पे आप डालिए एक हैश कॉमा और यहाँ पे दीजिए के और इसको ऐड कर दीजिए, तो छोटा हो जाएगा ना तो अच्छा दिखेगा क्या सर? अब इसको मैं जी यहाँ से कट किया और अपने डैशबोर्ड पे ले गया जहाँ मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ रिप्रेजेंट करना है और इसको फिर लाइन आ गई, तो इसको भी मैं नंबर फॉर्मेट पे जाता हूँ इसमें, और इसको भी के कर देता हूँ, वरना बार बार दिक्कत करते रहेगा। हैश कॉमा और के, और इसकी जो कलर है ना, कलर मैं यहाँ से ग्रीन कलर ले लेता हूँ, या कोई और कलर भी ले सकते हैं। तो ये हमारा चार्ट है।
अब मुझे यहाँ अपने कस्टमर की, अभी अगला जो मुझे रिपोर्ट चाहिए वो चाहिए कि मुझे कस्टमर का कंट्रीब्यूशन दिखाए कि कितना परसेंट कौन सा मेरा कस्टमर टाइप है। तो मैंने वापस इसको लिया और यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैं मंथ को हटाया, मंथ को हटाने के बाद यहाँ से प्रॉफिट को भी हटाया, और प्रॉफिट हटाने के बाद मैं यहाँ से कैटेगरी डाल दिया। और जो शेयरिंग होती है वो हमेशा पाई चार्ट से होती है। किससे होती है? पाई चार्ट से। तो पाई हाँ जी हाँ, इंसर्ट में हम पाई चार्ट को लेते हैं, और पाई चार्ट को लेने के बाद यहाँ डिजाइन के अंदर पाई चार्ट के कई सारे फॉर्मेट है। जो फॉर्मेट सॉरी पर सुटेबल, सुजीत हाँ बोले, जी, ये ये पाई पाइसेट चार्ट कॉल, ये पाइसेट पर क्या बोला, कौन से टाइम में इस्तेमाल करेंगे हम लोग? शेयरिंग, शेयरिंग मतलब कंट्रीब्यूशन दिखाने, परसेंटेज दिखाने के लिए। परसेंटेज दिखाने के लिए तो। अच्छा, ये देखा ना आपके सामने परसेंटेज वगैरह है दिखाने के लिए, कि एनजीओ अच्छा का 20% परसेंटेज दिखाने शेयरिंग के है, लिए कॉर्पोरेट का 10% पाइसेट, है, ठीक एंटरप्राइज 21% है, गवर्नमेंट सेक्टर का 18% है, होम एंड अप्लायंस का 21% है। समझ रहे हैं ना सर? तो कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है ना मेरा कि हाँ किसका क्या क्या परसेंटेज है। तो इसको भी हमने यहाँ पे अच्छा। ले लिया। अब इसकी फॉर्मेटिंग आपको ठीक लग रही है ठीक है, अदरवाइज कोई और फॉर्मेटिंग चाहिए तो और फॉर्मेटिंग आप चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग तो सर आपकी सोच पे डिपेंड करता है क्या चाहिए। अब मुझे चाहिए कि मेरा सेल्स किस दिन ज्यादा बिकता है, समझे सर? ताकि जी हम सेल्स किस दिन ज्यादा बिकता है। अब ये चीजें क्यों निकाल रहे हैं इसके ऊपर भी आपको हम अभी समझाएंगे। बस 2 मिनट इसको पूरा होने दीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो कैटेगरी को हटा दिया मैंने, और कैटेगरी को हटाने के बाद मैंने यहाँ से लिया अपना डेज, डेज को रखा। डेज के रखने के बाद जो डेज का चार्ट है ना, डेज का चार्ट मैं एरिया चार्ट लूंगा। एरिया चार्ट सही रहेगा इसके लिए, लाइन चार्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन लाइन चार्ट में उतना खास, देखिए लाइन चार्ट उतना खास हमें नहीं दिख पा रहा है। एरिया चार्ट रहेगा तो सही रहेगा, हालांकि लाइन से भी काम चला सकते हो, लेकिन यहाँ मैं एरिया चार्ट ले रहा हूँ। और इसकी जो फॉर्मेटिंग आप देखेंगे ऊपर भी, इसकी डिजाइन के अंदर फॉर्मेटिंग होता है, तो जो फॉर्मेटिंग उसको सूट कर रहा है, सही फॉर्मेटिंग मुझे सूट किया, इस फॉर्मेटिंग को मैंने ले लिया और यहाँ से इसको कट किया। और कट करने के बाद सबसे पहले बटन्स वगैरह हाइड कर देता हूँ यहाँ से, और इसको यहाँ सेलेक्ट करके कट करके और वापस कहाँ ले जाता हूँ? डैशबोर्ड में, और यहाँ हम इसको डाल देते हैं। ठीक है सर? जी, अब मुझे यहाँ पे पेमेंट कंट्रीब्यू, यहाँ तो ये हो गया। अब मुझे यहाँ पे पेमेंट कंट्रीब्यूशन चाहिए, ये टोटल हटा देता हूँ, और ये हेडिंग में टोटल की जगह पे सेल्स वीक डेज वाई सबका हेडिंग आपको देना होगा। ठीक है, और इसको मैं यहां से छोटा कर रहा हूं। उसके बाद यहां मुझे एक और चाहिए कि मेरा कितना परसेंट जो है पेमेंट कंट्रीब्यूशन क्या है, मतलब ऑनलाइन कितना आता है, ऑफलाइन कितना आता है, वो मुझे यहाँ पे चेक करने है। तो पिवट को वापस हमने कॉपी पेस्ट किया और इसको राइट क्लिक करके फिल्टर में गए, और मैं डेज को हटा दिया और डेज के जगह पे पे मोड को रख दिया। और इस अब इसके बाद शेयरिंग है तो जाहिर सी बात है कि इसको हम हमेशा किसमें दिखाएंगे? पाई चार्ट। ठीक है, ठीक है सर। और पाई चार्ट के डिजाइन में जाके भी आप इसमें अपना कलरिंग सिस्टम चूज कर सकते हैं, कैसा हमारा डिजाइन होना चाहिए। आप खुद बखुद भी इसका डिजाइन लगा सकते हैं। ठीक है, तो ए वाली ले लेते हैं, ये थोड़ा ठीक दिख रहा है। राइट क्लिक ऐड डेटा लेबल, सॉरी राइट क्लिक हाइड यहाँ पे कर दे, और इस पर क्लिक करके ऐड डेटा लेबल, और डेटा लेबल में मुझे यहाँ पे परसेंटेज भी चाहिए। ठीक है सर, तो परसेंटेज को ऐड कर दिया चार्ट के ऊपर। अब इसको क्लोज करते हैं, डैशबोर्ड में जाते हैं और यहाँ पे हम अपना परसेंटेज दिखा रहे हैं। और टोटल के जगह पे पेज
ये थोड़ा सा इसकी साइज को छोटा कर देते हैं यहाँ से, साइज छोटा करेंगे तो आपका ये बड़ा होगा, इसको भी छोटा करते हैं और ये इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ना तो इस तरह का आएगा, तो इसको आप सेलेक्ट करके बड़ा कर सकते हैं कि आपका परसेंटेज सही दिखेगा। ओके, अब मेरा चार्टिंग वाला जो सिस्टम है वो खत्म हो गया, अब मुझे यहाँ पे बस ये दिखाना है प्रोडक्ट वाइज कितना प्रॉफिट हुआ और कितना सेल हुआ, मुझे यहाँ दिखाना है यहाँ पे, समझ गया। लेकिन उससे पहले मुझे शो करना है कि टॉप सेल्स किसका है, टॉपिंग का, टॉप प्रोडक्ट कौन सा है और टॉप हमारा कैटेगरी कौन सा है, सबसे हाईएस्ट, और एसली टॉपर है तो थोड़ा सा इसको क्या बोलते हैं रॉयल रॉयल के रूप में शो करना है, होता है ना सर कि टॉपर है तो थोड़ा सा अलग होना चाहिए, तो इसके लिए एक इलस्ट्रेशन हम लेते हैं, हालांकि आप इंटरनेट से पिक्चर वगैरह भी ले सकते हैं लेकिन मैं यहाँ इलस्ट्रेशन ले रहा हूँ। इलस्ट्रेशन में नीचे आता हूँ तो ये देख रहा है ना, देख रहा है शादी कार्ड वगैरह भी, इसको आपने हमेशा देखा होगा, इसको थोड़ा सा यहाँ से घुमा देता हूँ, यहाँ से इसको थोड़ा चौड़ा कर देता हूँ, ये हो गया हमकी टॉप सेल। अब इसकी मैं बैकग्राउंड जो है नो फिल कर देता हूँ ताकि पीछे जो डेटा हमारा लिंक होगा वो मेरा शो होगा, तो इसमें कर देता हूँ नो, सॉरी व्हाइट कलर नहीं, नो फिल, व्हाइट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, नो फिल ताकि पीछे का दिखे, और इसकी बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं थोड़ा सा डार्क लूंगा इस तरह से, कलर सेम ही रहेगा लेकिन थोड़ा सा डार्क रहेगा ताकि दिखे, और पीछे का जो कलर ए एरिया है जिसमें मैं टॉप बॉटम देने वाला हूँ, दो को लेना पड़ेगा मुझे दिक्कत हो जाएगी, दो ले लेता हूँ, इसको कर देता हूँ वाइट कलर, वाइट कलर के साथ इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, क्या सर? जी जी सर, सॉरी व्हाइट कलर नहीं हुआ, इसकी कलर यहाँ से व्हाइट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको इस तरह से एडजस्ट करता हूँ ताकि व्हाइट कलर जो मेरा है वो ऐसा ना लगे कि कलर अलग से सेल पे किया गया, ऐसा पता चले कि हाँ इसी का पार्ट है, समझ गए सर? और सेम चीज कॉपी करके एक कॉलम छोड़ के हम फिर सेम चीज पेस्ट कर देते हैं एकदम टिट्टो, और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, और इसको भी यहां से, ठीक है। अब इसमें मुझे टॉप प्रोडक्ट चाहिए, क्या चाहिए? टॉप प्रोडक्ट, टॉप प्रो टॉप, और इसकी सेल कितना हुई है वो चाहिए, से प्रोडक्ट का नाम क्या है और कितना सेल हुआ है, ये दो चीजें चाहिए हमें, और उसी तरह से यहाँ पे देना है हमें, मर्ज कर देता हूँ, और यहाँ देना है मुझे टॉप कैटेगरी, तो कितना सेल हुआ है वो देना है यहाँ पे, और कुछ इमेज वगैरह लगाना है जैसे कि नंबर वन का मेडल वगैरह टाइप का, जैसे कि मैं मेडल का टॉपिक लगाया, तो ये सब चीजें जब इमेज लगा रहा हूँ ना इंटरनेट से निकाले गूगल पे सर्च करके, तो आप भी अपने चॉइस से निकाल सकते हैं, जी जी ठीक है। इसको भी मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कर दिया। अब मैं यहाँ सपोर्ट में आता हूँ और टॉप पे, हाँ यहाँ दिखा आपका, तो मैं इसको एक काम क्या करता हूँ शॉर्ट कर देता हूँ, ऑलरेडी पिवट लगा हुआ है दोबारा पिवट क्यों लगाऊँ, तो क्या करूँगा शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लेकिन दिक्कत हो सकती है किसी ने फिल्टर वगैरह कर दिया, दिक्कत हो सकती है ना कि प्रोडक्ट का भी प्रोडक्ट के हिसाब से भी नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ एक और पिवट लगाता हूँ यहाँ, कॉपी पेस्ट, और इस पे राइट क्लिक करके मैं आता हूँ, इसमें मैं प्रोडक्ट लेता हूँ, प्रोडक्ट पे मोड हटा देता हूँ कि प्रोडक्ट की टॉप प्रोडक्ट कितना कौन सा है और उसकी अमाउंट क्या है, तो ये टॉप प्रोडक्ट आपके सामने दिख गया राइट,
अब तो अब प्रोडक्ट आ गया है और यहाँ पे प्रॉफिट आया। दो चीज़ मैंने यहाँ पे डाला क्योंकि मुझे एक और चार्ट चाहिए ना, इसलिए इसको राइट क्लिक करके मैंने कर दिया शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। और कैटेगरी के लिए तो हमारे पास है ही क्या, तो प्रोडक्ट का आ गया P9 हाईएस्ट अमाउंट। तो यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे कर्सर कर देता हूँ और सपोर्ट में जाता हूँ। टॉप प्रोडक्ट के लिए मैं इस P9 पे कर्सर करता हूँ, एंटर मारता हूँ, ये P9 आ गया। और इसकी अमाउंट के लिए सपोर्ट पे जाता हूँ और इसकी अमाउंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसका सपोर्ट आ गया और इसको थोड़ा छोटा नीचे कर देता हूँ, इसको बोल्ड, सॉरी बोल्ड, और इसको ये बोल्ड कर देता हूँ ऐसे ऐसे। अच्छा ये हो गया। तो जो लोग मुझे अभी YouTube पे देख रहे हैं, मुझे सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये 10 डेज का क्लास है जिसमें हमें एडवांस एक्सेल कंप्लीट करा रहे हैं, तो आप लोग भी मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी नंबर वगैरह दिया होगा, आप मुझे कॉल करें और इस तरह की जो हमारी क्लासेस है उस क्लासेस को आप ले सकते हैं सर। ओके अब यहां मुझे सपोर्ट पे जाना है जहां पे हमने प्रोडक्ट और सम ऑफ द अमाउंट ले रखा है। इसके ऊपर मुझे एक चार्ट लगानी है, तो मुझे कंपेयरिंग देना है कितना प्रॉफिट हुआ कितना परसेंटेज हुआ। तो मैं इसमें स्टैक 100% जो बार चार्ट है ना ये लगा देता हूँ। ये रहा हमारा 100% बार चार्ट। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज आ गया है। एक मिनट, मुझे टोटल प्रॉफिट चाहिए होती है। राइट क्लिक, फिल लिस्ट, सम ऑफ द प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज नहीं, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट मैंने अब सही दिख रहा है। अब यहाँ ये जो बटन्स है, फिर सबसे पहले तो इसको हाइड कर देता हूँ, सम ऑफ द अमाउंट और सम ऑफ द प्रॉफिट है उसको हटा देता हूँ। और इसकी एक यहाँ डिजाइन में जाके इसके लिए एक अच्छा सा डिजाइन चूज करते हैं कि क्या डिजाइन होना चाहिए। ये सही रहेगा और इसको कट करते हैं। कट करने के बाद डैशबोर्ड पे आते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। पेस्ट करने के बाद इसको नीचे की तरफ हम ड्रैग करते हैं और इसको हम उतना ही एरिया रखते हैं जितना एरिया हमें डेटा के लिए है, मतलब कि रिपोर्ट के लिए है। और ये रहा हमारा अलाइनिंग वगैरह हटाना चाहते हैं तो हटा दीजिए। ये हमारी डैशबोर्ड बन के तैयार हो गई। जो जो चीज चाहिए थी वो सारी चीज हमने यहाँ पे आपके सामने डिस्कस कर ली। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि आखिर इसका ये जो हमने बनाया इसका पर्पस क्या है बनाने का, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं आपके साथ। देखिए जब भी हम कोई रिपोर्ट्स बनाते हैं, कोई डेटाबेस बनाते हैं, तो हमारा मेन जो मोटिव होता है वो होता है इंफॉर्मेशन को पास आउट करने के। अब बाकी जो एक्स्ट्रा लाइन थे, रो थे और कॉलम थे, हमने सेलेक्ट करके उसको हाइड कर दिया ताकि उतना एरिया दिखे जितना हमारा डैशबोर्ड है, बाकी के फालतू एरिया ना दिखे। अब इसमें मान लीजिए मुझे मान लीजिए कि मेरी सेल्स है, मेरा जब भी रिपोर्ट बनाते हैं तो उसको देखते समय आप खुद को समझिए कि मैं ही हूं इस कंपनी का ओनर। तो मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मैं कैश पेमेंट बंद कर दूं। क्या बंद कर दूं? कैश पेमेंट बंद कर दूं, राइट? तो पहले जी देख तो लूं कि कैश पेमेंट का क्या सेटिंग है। जब मैंने कैश पे क्लिक किया तो आप यहां देख पा रहे हैं कि कैश में मुझे 49% का प्रॉफिट हो रहा है।
हर मंथ में, हर वीक में कैश कितना सेल हो रहा है और कौन कौन प्रोडक्ट में क्या कैश की सेलिंग है आप देख पा रहे हैं, राइट। आप ओवरऑल यहाँ देख सकते हैं कि पूरे ओवरऑल सेल में कैश जो है वो तकरीबन 50% है ना सर। तो जी अगर आप कैश रोक रहे हैं मतलब कि आप अपना 50% तो इफेक्ट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए मेरा कोई जो जो मेरा ए कोई सेल्स ऑफिसर है जो सबसे ज्यादा, मान लीजिए सबसे ज्यादा यूज कर रहा है, एक सेल्स ऑफिसर है जो मोस्टली सेल ज्यादा करता है, वो छुट्टी मांग रहा है, तो मैं पहले देख लूंगा छुट्टी वो किस दिन मांग रहा है। मान लीजिए थर्सडे को छुट्टी मांगा तो थर्सडे को सबसे ज्यादा सेल हमारी हो रही है क्या, जी तो हम थर्सडे को उसको अवॉइड करेंगे। बोले थर्सडे को मतलब सैटरडे के छुट्टी लो, सैटरडे का सेल थोड़ा कम रहता है तो बाकी लोग मैनेज कर लेंगे। समझ में आया सर। ओके अब मान लीजिए कि जी मुझे पता करना है कि कौन से महीना पीक पे होता है मेरा, तो आप देख रहे हैं कि मोस्टली जी महीना हमारा पीक पे है, तो हम फरवरी महीने को देख सकते हैं कि सबसे कम है और हमारा मई महीना सबसे कम है, लेकिन जुलाई और से लेके हमारा दिसंबर तक सेल जो है सही रहता है। अब मुझे ये देखना है कि मुझे सबसे अच्छा प्रॉफिट किस महीने में हुआ, तो प्रॉफिट के लाइन में यहाँ देख सकते हो, कंट्रीब्यूशन देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं जैसे ही सिलेक्ट करूंगा, मैंने अप्रैल को सिलेक्ट किया, पूरा रिपोर्ट अप्रैल के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। देख रहे हैं कि अब देख रहे हैं सर कि अप्रैल के अंदर भी 49% जी का एवरेज सेल है हमारा, उसमें 53% कैश है, ऑनलाइन है, 47% कैश है, और फ्राइडे को सबसे ज्यादा सेल होती है, और हाईएस्ट सेल जो है आपका प्रोडक्ट सिक्स का है, हाईएस्ट सेल भी है और हाईएस्ट प्रॉफिट भी है। समझ गए। जी सर अब इस तरह क्या होगा कि एनालाइज होगी, एनालाइज होने के बाद हम कोई डिसीजन ले पाएंगे ना कि हमें क्या करना है। जी अब मान लीजिए प्रोडक्ट फाइव अच्छा हमारा सबसे अच्छा सेल कर रहा है, तो मुझे ये देखना होगा कि मेरा प्रोडक्ट फाइव किस महीने में सेल अच्छा कर रहा है, ताकि उस महीने में मैं क्या करूं। जैसे देख पाते हैं कि जुलाई महीने में हमारा प्रोडक्ट 14 का सबसे सेल है, प्रोडक्ट फाइव जो है वो चला गया सबसे नीचे। प्रोडक्ट फाइव यहाँ देखे, दिख रहा है सर। हाँ हाँ, ताकि मैं स्टॉक मेंटेन रखूं, स्टॉक को उसी हिसाब से मेंटेन करूं क्या। जी तो जब इस सर तरह, अब बात है कि इस चीज को हम, इस तरह के जो रिपोर्ट हमने बनाया ना, इसको भी इस तरह से किए जा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि रिपोर्ट देखने वाले जनरली मैनेजमेंट के लोग होते हैं और उनके पास एक्सेल स्किल्स और थोड़ा समझने में दिक्कत होता है। आप सोचिए ना कि मुझे इसी में समझना हो कि सबसे हाईएस्ट महीना कौन सा है, तो थोड़ा मुश्किल है ना सर समझना। अब इस रिपोर्ट देखिए, पिवट टेबल को हमने इस तरह से बनाया है, इसको देख लीजिए, और सेम रिपोर्ट को मैंने इस पे बनाया, इसको देख लीजिए, दोनों में फर्क है, फर्क है ना। जी और इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी तो लगा ही नहीं है, ये भी पिवट से ही लिंक है सारा, पिवट इसमें आपने से। ग्राफ ऐड किया ना, अधिकतर हाँ, इसमें मैक्सिमम ग्राफ हमने, ऐड किया हाँ आपने। बात हुई कि जो इंफॉर्मेशन करेक्टली थी उसको ने ग्राफिकली कर दिया। ये जो ग्राफ लगाते हैं, ग्राफ कोई से भी लगा सकते हैं, कि बर्थडे को तरफ किसी वैल्यू के, मतलब वैल्यू के देखिए, अलग ग्राफ होता है कोई भी या आप लगाते हैं, ग्राफ का काम होता है कंपेयर करना, बिटवीन टू फील्ड्स को अंदर कंपेयर करने का काम आपका ग्राफ करता है। तो ग्राफ का काम कुछ और नहीं है, क्या है, जस्ट कंपेयर करना। तो आप देखिए कि जो आप चार्ट पर जो चीज, जिस चीज के लिए बना रहे हैं उसमें क्या कंपेयरिंग इजी है या नहीं है। जैसे ये देखिए, इसमें हम सिर्फ लाइन चार्ट लेते हैं तो सिर्फ लाइन रहता तो उसमें समझना मुश्किल था, लेकिन हम लाइन और एरिया ले लिए तो अब इजीली समझ में आ रहा है कि पहाड़ अच्छा बना हुआ है, आ रहा है ना सर। ना तो जी चार्ट लगाने के सर बाद आप देखिए कि क्या हम समझ पा रहे हैं, अगर समझ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर दिक्कत है। और जब भी ये डैशबोर्ड बनाया तो ये समझिए कि आप जो डैशबोर्ड बना रहे हैं वो आप अपने बॉस के लिए बना रहे हैं, और बॉस आपका डफर है, बिल्कुल गधा पसा। ओके उसे अगर पानी पानी जी देंगे, पानी मांगेंगे, पानी देंगे तो बोलेगा पीने के लिए लाए हो, नहाने के लिए लाए हो, ऐसा वाला हाँ सिस्टम है। सही तो ऐसा, अब ऐसा नहीं है बोलो कि अच्छा आप अपने बॉस के बारे में ऐसा सोचें, लेकिन बनाते समय सोचने से फायदा क्या होगा कि हम हर एक डिटेल एक सिंप्लाइज करेंगे, और रिपोर्ट जितना सिंप्लाइज होगा ना और जितना मीनिंगफुल होगा उतना बेटर। ओके समझ गए।
जी। तो ए फाइल आपको हम भेज रहे हैं, इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें, इसमें जो जो चीज चाहिए आपको सबको मैंने बताया है, आप बैठ के अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और कल की क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक जो हमारा है वो टॉपिक के ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमारा तीसरा रिंग समाप्त हो गया। इसको ए फाइल जो मैं बोल रही थी वो तो सर मिल ही वीडियो जाएगा, और लिंक भेज इसकी दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। जो ठीक है सर। ओके ओके बाय, गुड बाय नाइट। सर। गुड नाइट। तो यूट्यूब पे जो मुझे देख रहे हैं, सबसे पहले तो थैंक्स कहूंगा कि आपने मेरी वीडियो को इतने देर तक वॉच किया, और साथ में रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना प्यार दीजिए। प्यार कैसे देंगे? चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके, और मेरे साथ बने रहे। वीडियो लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक और फायदा होगा कि जैसे ही मैं लाइव क्लास में आऊंगा, अभी मैं लाइव हूँ, ऐसा नहीं कि रिकॉर्डेड वीडियो चल रहा है, टाइम देख सकते हैं, बिल्कुल लाइव है। अभी 9, 8 से 9 का बैच था, और ये जो है 10 डेज एक्सेल कोर्स है, जिसमें हर एक चीज को मैंने किया है। इसकी कंटेंट जानना है तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, अब आपको हम इसकी कंटेंट भेज देंगे, इस टॉपिक में क्या क्या कवर है, और हर दिन के जो शेड्यूल है वो दे देंगे। इसकी फीस मात्र 1500 में रखी है। ये ऑनलाइन लाइव है, जिसमें आपने सारे डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपकी सारी आपको वीडियो वगैरह सब कुछ मिलेगा इसमें। तो हर एक चीज मैंने इसके अंदर मेंशन करने की कोशिश की है। देखिए, हमारे एक्सपर्ट लेवल की क्लासेस भी होती है, जो कि 2 महीने 3 महीने चलती है, जिसको हर एक चीज डिटेल में हम कराते हैं, वो भी ये ले सकते हैं। तो डिटेल्स के लिए मुझे फोन कीजिए, या फिर मेरा वेबसाइट विजिट कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय, गुड नाइट।